सनातन धर्म में त्योहारों का विशेष महत्व है। हर एक त्योहार के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। आगामी दिनों में माघ पूर्णिमा आ रही है। क्या करें इस दिन कि आपके सारे कष्टों का होगा निवारण, कैसे करें इस पूर्णिमा की पूजा, आइए जानते हैं पंडित शिवनारायण चतुर्वेदी से। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कल माओ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शनिवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि में नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर की आराधना माता पार्वती सहित करें, जिससे हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी, ऐसा इस गुप्त रात्रि के वैसे बहुत सारे मत में है। कोई देवी की आराधना करता है, कोई अपने इष्ट की आराधना करता है, कोई तंत्र मंत्र की सिद्धि करता है, लेकिन सामान्य गृहस्थियों के लिए भगवान उमा महेश्वर गौरी शंकर का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात माओसुरी पूर्णिमा 24 तारीख को आ रही है, इसे हम दांडा रोपनी पूर्णिमा भी कहते हैं। डांडा रोपनी पूर्णिमा के दिन होली का डांडा गाड़ा जाता है, और इसमें मैं आप लोगों को एक विशेष बात बताता हूं कि तांबे के सिक्के जो पुराने हैं, अगर वो नहीं हो तो पुराना कलदा, सर्वप्रथम जहां हम होली का डांडा रोपण करते हैं उस स्थान को शुद्धिकरण गौमूत्र गाय के गोबर से लीपकर शुद्ध करें, फिर गड्ढा खोदे, उस गड्ढे के अंदर एक पान के ऊपर स्वास्तिक, थोड़े अक्षत और बड़ी सुपारी और सिक्का रख के गड्ढे में रख दें। फिर एक डब्बी में थोड़ा सा कुमकुम, हल्दी और सिंदूर भर के रख दें। फिर उसके ऊपर अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, भक्त प्रहलाद का ध्यान करते हुए डांडा रोपित करें। डांडा रोपने के बाद जब फागन सुदी पूर्णिमा को होली का दहन होता है, उसके पश्चात शीतला सप्तमी आती है। शीतला सप्तमी के दिन भी होली वाले स्थान पर पूजन की जाती है। उस पूजन के पश्चात उस सुपारी को और उस सिक्के को और उस त्रिगंध को, अर्थात हल्दी कंकु सिंदूर का जो मिश्रण हम रखते हैं उसको निकाल लेवे, और वो सिक्का पान अपनी तिजोरी में रखें, जिसके कारण आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहेगा, क्योंकि भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षार्थ होलिका का दहन किया था। तो एक तरीके से भगवान विष्णु माता पार्वती सहित उस सुपारी और पान के साथ आपके घर में विराजित हो जाते हैं। फिर वो जो त्रिगंध है उससे भगवान का तिलक करें, चरणों में अर्पित करें और अपने मस्तक पर लगावें। इस तिलक के लगाने से आपके जो भी दुश्मन हैं वो मोहित होंगे, वो आपके वशीभूत होंगे और वो आपसे झगड़ा करना बंद कर देंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।